हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारा सोशियोलॉजी न्यू सीरीज का पार्ट 14 एंड ये जो सीरीज है ये एनटीए नेट यूपीएससी पीजीटी एंड पीजी के जितने भी सोशियोलॉजी से एग्जाम्स हैं सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड आई होप कि आपको ये काफ़ी यूजफुल लगेगी। आपने इंडोलॉजी के बारे में सुना है? क्या होती है इंडोलॉजी? ज़रूर सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। इंडोलॉजी के एक बहुत ही फेमस थिंकर है जिनका नेम है लुइस ड्यूमा एंड उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम उसमें जो कुछ टर्म्स दी होलिज्म इंडिविजुअलिज्म होमो हायरार्कीज होमो इक्वेलिस दो टाइप की सोसाइटीज वगैरह के बारे में। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडोलॉजी क्या है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा, बताइए क्या है इंडोलॉजी। इंडोलॉजी एक तरीके का ऐसी मेथड है, ऐसी मेथडोलॉजी है, ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसमें हम भारतीय कल्चर को, जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसकी संस्थाओं को, यहाँ की कला को, इसको सभी को हम यहाँ के शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ के कल्चर को समझना है तो हम यहाँ के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं जैसे कि वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, इन सारे ग्रंथों को इनका अध्ययन करते हैं। फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या शास्त्रीय परंपराएं रही हैं पुराने समय से और किस तरीके से उन परंपराओं का जो वर्तमान टाइम में जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना बनी हुई है, जो वर्तमान समय में संस्थाएं हैं उनके पीछे का जो ढांचा है, किस तरीके से उनका योगदान है, कैसे कैसे वो इम्पोर्टेंस रोल अपना प्ले करती हैं। तो इंडोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंडियन कल्चर को इंडियन जो शास्त्रीय जो ग्रंथ है उनके थ्रू अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, हमको कास्ट सिस्टम का अध्ययन करना है, या फिर हमारा विलेज स्ट्रक्चर हो गया, हमको इसका अध्ययन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शास्त्रीय ग्रंथों को उठाएंगे, देखेंगे कि कास्ट की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में इसका वर्णन है ना कि ब्रह्मा जी के शरीर से चार प्रकार के जो वर्ण निकले, फिर उन्हीं से बाद में जातियों का जन्म हुआ। तो इन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, फिर देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी सत्यता है इसमें और वर्तमान समय में इसका क्या क्या प्रभाव है। ग्रामीण संरचना में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से परंपरागत जो ग्रामीण संरचना है वो बनी हुई है, कैसे ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया जाता है, उनको एक सम्माननीय एक प्रतिष्ठापूर्ण पद प्राप्त है अपने आप से ही। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है, वो उत्तरदायी है। तो इंडोलॉजी में मेनली इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। इंडोलॉजी में दो थिंकर्स हैं जो कि इंडियन कल्चर को बहुत ही अच्छे से जिन्होंने स्टडी करी है। एक तो आपके हैं जीएस घुरिए, दूसरे हैं आपके लुइस ड्यूमा। तो जीएस घुरिए के बारे में मैंने बता दिया है पहले ही वीडियो बना करके। तो आज का जो टॉपिक है वो है लुइस ड्यूमा का। इन्होंने मेनली इंडियन विलेज स्ट्रक्चर और इंडियन कास्ट सिस्टम को ही फोकस किया है, उसी पे अध्ययन किया है और उसी पे अपना जो भी सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, वो दी हैं। तो क्या क्या है इनकी थ्योरीज, आइए देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ड्यूमा कास्ट क्या होती है। तो इन्होंने कहा कि कास्ट एक तरीके की वैचारिकी है, ये एक थॉट प्रोसेस होता है जो कि किस तरीके से बनता है। तो इन्होंने बताया कि कास्ट बनती है आर्थिक, राजनीतिक और जो किंसिप जो सिस्टम है उस पे बेस्ड संबंधों का योग होता है। ठीक है, जो कि किससे जुड़ा होता है, धार्मिक और नैतिकतावादी मूल्यों से। मतलब कि लोगों का एक नातेदारी व्यवस्था समूह जो कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है, उसके पीछे एक नैतिकता होती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और कुछ रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं। तो इन सभी का एक ग्रुप होता है जो कि है कास्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें किनशिप, देन फिर आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संबंध जो कि नैतिकता के आधार पर कंट्रोल्ड होते हैं, नैतिक वैल्यूज के आधार पर इनका नियंत्रण होता है। जाति को इन्होंने माना कि जो कास्ट है ये असमानता का आधार है। असमानता का आधार कैसे है, तो इन्होंने बताया कि कास्ट हायरार्कल होती है,
कास्ट में हमेशा ऊंच नीच की भावना बनी रहती है। ब्राह्मणों को उच्च स्थान, फिर जो उससे लोअर कास्ट है जैसे क्षत्रिय वगैरह है उनको थोड़ा सा निम्न स्थान, देन फिर जो शूद्र हैं मतलब जो शूद्र कास्ट में आते हैं, वैसे तो शूद्र वर्ण है बट जो हरिजन कह सकते हो, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कास्ट वगैरह हैं, तो उनको सबसे निम्न स्थान, ठीक है। तो इसका आधार इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि जातीय असमानता के दो आधार हैं, एक तो शुचिता, दूसरा प्रदूषण। शुचिता प्रदूषण क्या है समझाती हूं। इन्होंने बताया कि सोसाइटी में जो ये असमानता है ये है डिवीजन ऑफ लेबर के कारण। शास्त्रीय ग्रंथों में एक वर्णन था कि इस धर्म को, इस धर्म के या इस वर्ण के या इस जाति के लोगों को ये काम करना चाहिए, जैसे ब्राह्मणों को अध्ययन करना चाहिए, क्षत्रियों को रक्षा का काम करना चाहिए, वैश्यों को व्यापार से रिलेटेड काम करना चाहिए, शूद्रों को सेवा से रिलेटेड काम करना चाहिए। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए किया गया ताकि सोसाइटी ठीक तरीके से चल सके। लेकिन फिर बाद में वही एक होता है ना कि जब धीरे धीरे करके वो परंपरा बन जाती है, जैसे कि आपने कोई चीज शुरू करी, आपने किसी के पैर छुए और फिर उसके बाद वो परंपरा बन गई, फिर उसमें कुछ रूढ़ियां आ जाती हैं। तो वो स्टार्टिंग में इसलिए की गई ताकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक तरीके से बना रहे, ठीक तरीके से चल सके, लेकिन फिर बाद में उसमें विसंगतियां आ गई और वो कुरीति बन गई, उसमें फिर छुआछूत की भावना आ गई। तो जो उच्च कास्ट के लोग थे उन्होंने माना कि हम पवित्र हैं और जो निम्न कास्ट के लोग हैं उनको अगर हम छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को माना कि हमारे अंदर शुचिता है और अगर हम उनको छू लेंगे जो निम्न कास्ट के लोग हैं तो उनसे हमारा शरीर, हमारा मन प्रदूषित हो जाएगा, हमें इसको इन्होंने बुरा कर्म माना, एक तरीके से वर्जित कर्म मान दिया। तो वहीं से प्रथा बनी छुआछूत की, जो अस्पृश्यता की बात की जाती है वो वहीं से चली, शुचिता और प्रदूषण के आधार पे जाति असमानता का एक संस्करण चला। और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे जैसे कि ब्राह्मण वगैरह, उन्होंने जो निम्न, जो हरिजन वगैरह शूद्र जो थे उनसे दूरी बनानी शुरू करी। क्यों? क्योंकि फिर उनको वो प्रदूषित मानते थे कि अगर ये हमको छू देंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन प्रदूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और इसका आधार क्या था, स्टार्ट कैसे हुआ, डिविजन ऑफ लिवर से। नेक्स्ट चीज है कि इन्होंने दो टाइप के समाज बताए। कौन कौन से दो टाइप के समाज बताए, तो इन्होंने बताया कि इसी तरीके की हायरार्की और इसी तरह की इक्वलिटी के आधार पे इन्होंने दो सभ्यताओं की तुलना करी। एक तो हमारा है जो आपका इंडियन कल्चर, दूसरा है आपका वेस्टर्न कल्चर। तो इंडियन कल्चर है होमो हायरार्किस, यहाँ पे असमानता अधिक है, और जो वेस्टर्न कल्चर है जो यूरोपियन सभ्यता है इसको इन्होंने कहा कि ये होमो इक्वेलिस है। इसके पीछे इन्होंने तर्क दिए कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम क्या होता है, होलिज्म की अवधारणा होती है, मतलब खुद को पवित्र माना जाता है, पवित्र रखने की कोशिश की जाती है, छुआछूत की भावना है और पूरा समूह उस चीज़ को फॉलो करता है। तो इसलिए यहाँ पे हायरार्की है, एक संस्करण है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, यूरोपियन सभ्यता है, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है, वहाँ पे व्यक्तिवादिता है, वहाँ पे पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे क्लास कल्चर है, मतलब कि वर्ग है। अपने यहाँ क्या है, कास्ट है। कास्ट में आप जन्म जात, जिस जाति में आपने जन्म ले लिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये असमानता हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्लास में क्या है कि आप इंडिविजुअली अगर चाहो तो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हो। आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो आप निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में, फिर मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में भी जा सकते हो। तो जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म होगा वहाँ पे इक्वलिटी होगी, और जहाँ पे होलिज्म होगा वहाँ पे हायरार्की होगी। जहाँ पे कास्ट होगा वहाँ पे होलिज्म होगा, और जहाँ पे क्लास को फॉलो किया जाएगा वहाँ पे इंडिविजुअलिटी होगी, यानी व्यक्तिवादिता होगी। तो व्यक्तिवादिता कहा है पश्चिमी सभ्यता में, इसीलिए उनको होमो इक्वलिस बोला इन्होंने, और अपने इधर होमो हायरार्की सोसाइटी। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है एशिया ऑन इंडिविजुअलिज्म,
जर्मन आइडियोलॉजी 1994 में आई थी इनकी, होमो हायरार्की 1966 में आई थी, एंड देन फिर होमो इक्वलिस। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने इनका पिक अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं टेलीग्राम पे बुक्स के पिक्स इमेजेस में भेजती हूँ, एंड जो मेरा इंस्टा की आईडी है वहाँ पे मैं कोटेशंस इमेजेस में भेजती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम एंड इंस्टा पे तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। कुछ रिव्यूज़ हैं, साधना ने लिखा है कि अगर आप इसी तरीके से टीचिंग करती नहीं तो हमें नेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, एंड आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। एंड सूरज शुक्ला, इन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि नेट के लिए वीडियो कैसी है, बट मैम मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 100% यहीं से मिल जाता है। ये सूरज शुक्ला हैं, बीए थर्ड ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सूरज, एंड ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, आई होप मैं आपको और ज़्यादा यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। हाँ, आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कमेंट करके कि इन्होंने किस विलेज का कहाँ का अध्ययन किया था। ठीक है, लुइस ड्यूमो ने कहाँ का अध्ययन किया था। वैसे मैंने इसको बता दिया है अपने इंस्टा आईडी पे, बट फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, वहाँ से सर्च करिए या तो फिर इंटरनेट के थ्रू गूगल से सर्च करिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।